नमस्कार दोस्तों, ऑरिकुलर थेरेपी का फर्स्ट लेवल आप सब ऑनलाइन कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों, फर्स्ट लेवल में हमने आपको दी थी इंट्रोडक्शन, किन किन चीजों में ऑरिकुलर थेरेपी काम आती है। उसके बाद आपको बताया था कि आपके कान की एनाटॉमी, यानी कान पे कहां पर हेलिक्स आता है, कहां एंटी हेलिक्स, कहां स्काफा, कहां पे आता है ट्रेगस, कहां आता है एंटी ट्रेगस और कहां पर आता है इंट्रा ट्रेजिक नॉच, सुपीरियर क्रस, इंफीरियर क्रस और ट्राइंगुलर फोसा, हेलिक्स का क्रस, सिम्बा कोंचा और केवम कोंचा, साथ में ईयर लोब। इसके बाद इन डिवीजन के बाद बताया था आपको कि ईयर लोब पर कौन कौन से बिंदु आते हैं, कौन से बिंदु आते हैं हेलिक्स पर, कौन से बिंदु आते हैं स्काफा पर, सिम्बा कोंचा, केवम कोंचा पर, हेलिक्स क्रस पर या एंटी हेलिक्स के सुपीरियर और इंफीरियर क्रस पर। तो दोस्तों, बिंदुओं की जानकारी आपको मिली थी, उसके साथ ही मिली थी कौन सा बिंदु किन किन प्रॉब्लम में काम करता है। चूंकि अब हम आ रहे हैं एडवांस लेवल पर, यानी ऑरिकुलर थेरेपी के सेकेंड लेवल पर, तो यह जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है सेकेंड लेवल की, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेकेंड लेवल में आखिर आप सीखेंगे क्या। सेकेंड लेवल बेसिकली डायग्नोसिस का लेवल है, आपकी पेशेंट को डायग्नोस करने की जो क्षमता है उसको बढ़ाएगा। जो पेशेंट को रोग है वो क्यों आया, उसका कौन सा ऑर्गन बीमार हो रहा है, या उसका कौन सा चक्रा, कौन सा सिस्टम वीक हो रहा है, या स्पाइन की ऐसी कौन सी वर्टिब्रा है जिसको नरिश करके आप अपने पेशेंट की बीमारी को दूर कर सकते हैं, जिससे बीमारी बार बार लौट करना है और उस बीमारी के हम रूट कॉज को भी जान सके। तो इसके अंदर जो टॉपिक्स मेन कवर होने हैं, मैं आज आपको इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में बता रहा हूं, ताकि ये सारे टॉपिक्स आप बहुत अच्छी तरह से अपने माइंड में क्लियर कर ले टीचर लेवल में जाने से पहले। तो दोस्तों, इसका मेन एम होता है जो TCM ट्रेडिशनल चाइनीज मेरिडियन सिस्टम के हिसाब से डायग्नोसिस की बेस जो ऑर्गन के हिसाब से है, इसमें आपको बताया जाता है कि किस तरह से लिवर और गॉल ब्लैडर आपकी मसल को, आंखों को नरिश करता है, आपके गुस्से को कंट्रोल करता है, इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन को हटा देता है आपकी जिंदगी से। इसी तरह से ये जो पांच पेयर्ड है ऑर्गन के, ये कौन से पेयर्ड ऑर्गन है और वो कौन कौन सी बीमारियों को ठीक करते हैं। तो दोस्तों, अगर बार बार नस पे नस चढ़ती है, मस्कुलर क्रैम्प आते हैं, मसल वीक हो रही है, मस्कुलर एट्रॉफी हो रही है, तो बेसिकली उस पर्सन का लिवर और गॉल ब्लैडर ठीक से काम नहीं कर रहा। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो आप जानेंगे TCM की, जो डायग्नोसिस बताई जाएगी आपको पांच पेयर्ड ऑर्गन पे। उसके बाद सेकेंड चीज इसमें सीखेंगे जो स्पाइन पॉइंट है, मतलब जैसे अभी मैंने लिवर गॉल ब्लैडर की ही बात की, तो हमारी जो स्पाइन का थोरॉसिक 4 है वो गॉल ब्लैडर को नरिश करता है और थोरॉसिक 5 है यह लिवर को नरिश करता है। तो ब्रेन से आने वाली नर्व इंपल्स जो आपके लिवर और गॉल ब्लैडर को काम कराती है, जिससे उन दोनों की फंक्शनिंग मेंटेन रहती है। तो ये दोस्तों कैसे पता करें कि अगर कोई ऑर्गन वीक हो रहा है तो कौन सी स्पाइन से, कौन सी स्पाइनल वर्टिब्रा से वहां पे नर्व इंपल्स की सप्लाई होती है जिससे हम उन ऑर्गन्स को नरिश कर सके। दोस्तों, इसके बाद स्पाइन पॉइंट तो हमें पता चल गए, पर उसकी एक्चुअल लोकेशन हमारे एंटी ट्रेगस पे कहां पर आती है, इसकी जानकारी भी आपको इस सेकेंड लेवल में प्राप्त होगी। दोस्तों, साथ ही साथ में डिफरेंट बॉडी सिस्टम, बेसिकली हमारी जो पूरी बॉडी है इसके अंदर आप देखें तो मेजरली जैसे एक नर्वस सिस्टम है, तो बहुत सी बीमारियां होंगी जो नर्वस सिस्टम से आधारित होंगी, जैसे आंख का देखना, कान का सुनना, जीभ का स्वाद लेना, त्वचा का सेंस करना। इसी तरह से दोस्तों सर्कुलेटरी सिस्टम होता है हमारा एक, बहुत सी बीमारियां होती है जो लैक ऑफ सर्कुलेशन से आती हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, अस्थमा, खांसी, कफ एंड कोल्ड, बहुत सारी इस तरह की बीमारियां हैं जो आपके रेस्पिरेशन से जुड़ी है। डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट और अहम रोल होता है इसका, क्योंकि जीवन जब हमारा इस धरती पे शुरू हुआ और जब तक ये जीवन रहेगा तब तक जो कुछ हम खा रहे हैं और वो जितना अच्छी तरह से पच रहा है उसी पर आधारित रहती है हमारी ऊर्जा। इसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिससे हम अपने ही जैसे एक जीव को जन्म दे सकते हैं। स्केलेटन सिस्टम जो हमारी हड्डियों को देखता है, मस्कुलर सिस्टम जो हमारी पूरी मांसपेशियों को देखता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम
जिसके माध्यम से हमारे सारे के सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं, और इन सबसे महत्वपूर्ण है एक एंडोक्राइन सिस्टम। तो बेसिकली कौन सा सिस्टम आपका ठीक काम नहीं कर रहा, तो बेसिकली एक पर्सन को जो बीमारी है उसमें आपको ये देखना होता है उसका कौन सा सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा, ताकि आप उस सिस्टम को ठीक से काम करा सके। उन सिस्टम से रिलेटेड कौन से बिंदु हैं आपके शरीर पर, कहां पर है, आपके कान पर, उनकी लोकेशन और उनकी यूजेज दोनों आपको बताई जाएगी। इसके बाद स्पाइन पॉइंट के बाद सिस्टम आता है, सिस्टम के बाद आते हैं चक्रास, जो सातों चक्रास है हमारे जीवन से कैसे जुड़े हैं, इन सातों चक्रास से कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स जुड़ी हैं, इन सातों चक्रास से कौन से सिस्टम जुड़े हैं, कौन से बॉडी पार्ट जुड़े हैं, कौन से बॉडी ऑर्गन्स जुड़े हैं। दोस्तों ऐसे कौन से पार्ट हैं हमारे कान के जो इन चक्रास को एक्टिवेट करेंगे, ऐसे कौन से बिंदु है कहां पर वो लोकेटेड हैं जिनको स्टिमुलेट करके हम अपने थर्ड आई को जागृत करेंगे, ऐसा कौन सा बिंदु है जिससे हम अपनी कुंडलिनी जागृत करेंगे, ऐसा कौन सा बिंदु है जिससे हम अपनी विजडम बढ़ाएंगे, पैसा नहीं टिकता तो कौन से बिंदु को स्टिमुलेट करेंगे, रिलेशन नहीं बनते तो कौन से चक्रा को स्टिमुलेट करेंगे, ये सब भी हम सेकंड लेवल में सीखेंगे। दोस्तों इसके साथ ही में प्लैनेट्स, किसी का बुध ठीक नहीं है तो किसी का सूर्य, तो दोस्तों जो सातों के सातों प्लैनेट है उनके बिंदु आपके कान पर कहां आते हैं, कैसे उनको स्टिमुलेट करना है, इसकी जानकारी भी आपको सेकंड लेवल में दी जाएगी। पांच तत्व होते हैं जलवायु अग्नि पृथ्वी आकाश, इसी से पूरा ब्रह्मांड बना है और इसी से बना है इंसान का शरीर। तो अगर किसी के मोशन नहीं रुक रहे हैं, किसी की ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, किसी के सिर के बाल झड़ते जा रहे हैं, तो पृथ्वी तत्व कमजोर हो गया, किसी को जलन हो रही है या किसी को ड्राइनेस आ रही है तो जल तत्व की कमी हो गई, किसी को ठंड बहुत ज्यादा लगती है या सर्दियों में रोग बढ़ जाते हैं तो अग्नि तत्व की कमी हो गई, और अगर मूवमेंट कहीं का रिस्ट्रिक्टेड हो गया तो वायु अफेक्टेड हो गई, और अगर एलर्जी हो गई तो समझ लीजिए आकाश तत्व प्रभावित हो गया। तो ये पांच तत्वों से जुड़े कौन से रोग हैं, कहां पर आते हैं पांच तत्व, कैसे इनका इलाज करेंगे, ये भी हम सेकेंड लेवल में ही सीखेंगे। इसके बाद ब्रेन लोब, जो आपको एंटी ट्रेगस में बताया था, फ्रंटल लोब यानी फॉरहेड, टेम्पोरल लोब, वर्टेक्स यानी पेराइटल और ऑसिपिटल, तो इन लोब से हमारे जीवन के कौन से महत्वपूर्ण एस्पेक्ट जुड़े हुए हैं, कैसे करेंगे उनका उपचार, दोस्तों इसकी जानकारी भी हम सेकंड लेवल में लेंगे। साथ ही साथ में जो स्पेशल पॉइंट हमारी बॉडी पर है, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे विजन 1-2, जैसे डायबिटिक पॉइंट, जैसे कॉन्स्टिपेशन पॉइंट, जैसे रिड्यूस बीपी पॉइंट, जैसे पिट्यूटरी पॉइंट, ब्रेन स्टेम पॉइंट, इस तरह के बहुत सारे स्पेशल पॉइंट है जो जनरली आप यूज नहीं कर रहे होंगे, तो किन किन प्रॉब्लम में इनका इस्तेमाल करना है इसकी जानकारी भी हम सेकंड लेवल में प्राप्त करेंगे। इन सबके कॉम्बिनेशन से कैसे प्रोटोकॉल बनाएं तो वो भी हम सेकंड लेवल में सीखेंगे। तो प्रोटोकॉल किस तरह से बनाने हैं, जब आपके पास रोगी आता है उसकी बीमारी उसके सिम्टम के आधार पर कैसे केस टेकिंग करनी है, और उस केस टेकिंग के बाद इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अपना एक सटीक प्रोटोकॉल कैसे बनाना है, यह सब कुछ हम दोस्तों इस सेकंड लेवल में सीखेंगे। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इस ऑरिकुलर थेरेपी में दक्ष होकर इसके ज्ञान के माध्यम से स्वस्थ भारत का निर्माण करेंगे, और इसके ज्ञान का प्रचार करके लोगों को सिखाकर इस विद्या को पूरे विश्व तक पहुंचाएंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं जगमोहन सचदेवा इतनी जानकारी के साथ आप सबसे विदा लेता हूं। नमस्कार।